हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हैं 22 तारीख और बुधवार। और तो गाइस अभी 5:30 का टाइम है शाम का। तो अभी पंखा भी काफ़ी फुल चला रखा है मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही होगी पंखे की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। तो घी में मैं बेसन भून रही हूँ और फिर इसकी जो है मैं बर्फी बनाऊँगी। और मैंने जो है चाशनी ना तैयार कर दी है, वो मैंने ठंडी कर दी है। फिर ये देखिए चाशनी है, इसमें थोड़ा सा मैंने कलर डाला है और ताकि इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाए और बच्चों को पसंद आए करके। तो ये मीठे जो चीनी होती है ना मीठा, उसकी चाशनी, और ये मैंने कलर ऐड किया है इसमें। तो इस कलर का ये देखिए बर्फी इस कलर की बनेगी। और ये ट्रे पे मैंने जो है लगा लिया, नीचे से घी मल दिया है अच्छे से, ताकि जब ये सेट हो जाए ना, तो हम इसे देखिए हाथों में मेरे, जब हम कट करेंगे ना तो आराम से पीसीज आपके निकल जाएंगे। और ऊपर से मैं कुछ ये किशमिश और बादाम ये मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से, इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे जो भी आपके पास है घर में। और तो मेरे पास किशमिश थे और बादाम थे, बादाम मैंने कूट दिए हैं। तो चलिए इसे तो हम रख देते हैं सेट होने के लिए, इसे टाइम लगेगा। जब तक ये बढ़िया से सेट होगी तो फिर बाद में मैं कट करके आपको दिखा दूंगी। तो अभी मैं बच्चों के लिए टिक्की बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो गाइस मैंने जो है बर्फी बनाई है, उसकी मैंने अच्छे से शेयर नहीं करी है रेसिपी आप लोगों के साथ। तो टिक्की की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। देखिए आलू यहाँ पे बॉईल कर दिए हैं मैंने और छील लिए हैं। इसमें मैंने हरा धनिया कट करके रख दिया है, और आप चाहे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और चाहे और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपल सी टिक्की बना रही हूँ और बिना कोई दाल या पनीर अंदर से या हरी मिर्च, आपकी मर्जी है। और बहुत सारे लोग जैसे चने की दाल होती है ना, उसको भी ऐड करते हैं, पनीर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल से आलू की बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को, मेरे बच्चों को अंदर से कुछ भी कचर बचर ऐसा पसंद नहीं है। तो मैं आलू ऐड कर रही हूँ और थोड़ा हरा धनिया, और मिर्च आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पसंद है लेकिन बच्चों ने भी खानी है तो इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ मैं हरी मिर्च। और ये देखिए यहाँ पे ये रहा चावल का आटा। तो इस चम्मच से आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं, इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच इसमें है जो है चावल का आटा ऐड कर दिया। और बहुत ज़्यादा आटा आपको ऐड नहीं करना है, और अगर आटा जो है ज़्यादा होगा ना तो कैड़ी सी हो जाती हैं ये टिक्कियाँ, टूटती नहीं है फिर। और अगर आप आटा, आलू ज़्यादा और आटा बहुत कम, आटा हमें इसलिए ऐड करना है इसमें क्योंकि आपकी टिक्की टूटेगी भी नहीं और एकदम वो होती ना पचपची सी हो जाती है अजीब सी, तो वैसी नहीं बनती। खाली आलू आलू की आप कभी भी बनाओगे टिक्की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बेकार बनती है। तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया, टूटेगी भी नहीं और बहुत सुंदर भी और स्वादिष्ट भी बनेंगे। तो इस तरीके से देखिए सब कुछ हमने नमक मिर्च और चावल का आटा सब कुछ इसमें मिला के अच्छे से जो है गोंद लिया है, मतलब आटे की तरह हमने जैसे बना लिया है इसको आलू का। तो अब ऐसे बना देंगे हम जैसे हम बनाते हैं ना, मतलब रोटी बनाते समय लोई, उस टाइप की। देखिए इस तरीके से आप बड़ा और छोटा आपकी मर्जी, आप बहुत बड़े भी बनाना अगर पसंद करते हैं टिक्की, बड़े भी बना सकते हैं छोटे भी, लेकिन मैं इस साइज़ में बना रही हूँ। देखिए आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा भी नहीं बना रही हूँ, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी वही 5:30 का टाइम हो गया है शाम का। तो आजकल मैं हमेशा बच्चों के लिए 5 बजे कुछ ना कुछ स्नैक्स बना देती हूँ और 5:30 बजे आ जाती हूँ किचन में। तो वही टाइम लगता है ना, अकेले काम करना है तो 6:30 बजे तक मैं रेडी कर देती हूँ, ताकि उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ और 7 बजने से पहले टीवी वाले कमरे में चले जाते हैं वहाँ, क्योंकि महाभारत आता है ना तो बच्चों को दिखाती हूँ महाभारत, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। तो आजकल के बच्चे देखते नहीं हैं, तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती बिठा के कुछ खाने को दे देती हूँ और महाभारत दिखाती हूँ, बोलती हूँ चलो महाभारत देखो, और तब तक कुछ स्नैक्स भी उनके लिए बना के
कभी कुछ कभी कुछ। तो आज के स्नैक्स टाइम मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और टिक्की बनाई है मैंने आज। तो आजकल मेरा जो शाम का मतलब रूटीन है 5 से लेके और 6, 6:30, 7 बजे का, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखती हूँ कब तक मैं शेयर करूँगी। अभी तो पहले मैं टिक्की बना रही हूँ, स्नैक्स टाइम जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, फिर आगे का देखती हूँ कितना बनाऊँगी ब्लॉग। और तो चलिए, यहाँ पे तो मेरी टिक्की देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, एक भी टूटी नहीं है और गोल एकदम फुली फुली सी। ये देखिए गाइस, तो टिक्की आप देख ही रहे हैं, ना जली हुई हैं ना कच्ची हैं और बहुत ही बढ़िया, ना टूटी हैं। देखिए साइज़ देखिए और कितने बढ़िया से बने हैं। तो आप लोग भी बनाइए, आजकल बच्चों के लिए घर पे ही कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज़ें और बच्चों को खुश करिए। तो मैं तो शाम को रोज़ 5, 5:30 बजे के बीच में किचन में आके बच्चों के लिए स्नैक्स टाइम में यही बनाती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे घर में ही हैं और दिन में 2 टाइम आजकल बच्चों के जो है ना ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो गए, तो बच्चे बोर ना हो करके और कुछ ना कुछ उनके लिए चटपटा सा, कभी मीठा कभी कुछ। अभी मैंने बेसन की बर्फी भी बनाई है, वो तो मैंने रख दी है सेट होने के लिए, वो रात को जब खाना हमारा डिनर हो जाएगा ना तो तब दूंगी फिर बच्चों को खाना खाने के बाद मीठा। और अभी चलिए, चाय भी बन चुकी है मेरी और बस 7 बजने वाले हैं, तो अंदर बैठ के हम टिक्की का जो है मज़ा लेंगे और चाय पियेंगे साथ में और देखेंगे महाभारत। तो चलिए गाइस, आप लोग भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। घिया 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 काट दो और नहीं है ग्लास कोई। तो गाइस हमने टिक्की खा ली है और महाभारत हो गया खत्म। अब हम देखेंगे 9 बजे राम है, तो अभी फिर से बन रहा है नींबू पानी। मनु नींबू पानी बन रहा है ना? अच्छा, बस आजकल तो यही हो रहा है हमारा। रुको, सब्जी की तैयारी हो रही है। आज हम घिया की सब्जी बना रहे हैं, सिंपल से घिया और दही। और यहाँ पे अभी नींबू पानी बन गया है क्योंकि हमने टिक्की खाई और चाय पी फिर महाभारत देखा। अभी बज गए 8, तो चलो नींबू पानी डाल मनु फटाफट से, फिर सब्जी बनाएंगे। तो गाइस महाभारत देखा और उसके बाद मेरे बेटे ने बना लिया नींबू पानी। तो 8 बज गए एकदम करेक्ट 8 बजे, क्योंकि महाभारत ख़त्म हो जाता है 1 घंटे का आता है। तो 8 बजे देखिए हमारा अब नींबू पानी भी बन गया है। पता है ये मेरे बेटे को ना शौक़ है, कभी मैंगो शेक कभी बनाना शेक, और अभी मुझे पता भी नहीं था उसने नींबू पानी बना लिया। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब पी लेते हैं, बना दिया है तो चलिए यहाँ पर वही हम नींबू पानी पी रहे हैं। और मम्मी अभी अंदर साई बाबा का कोई सीरियल आ रहा है, उसके बाद वो देख रही है, फिर रामायण आ जाएगा ना 9 बजे, तो रामायण देखेगी। तो अब तो रामायण में लव कुश का वो जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे रावत जी काट रहे हैं घिया। तो गैस पहले तो हमने सोचा था घिया की सब्जी बनाएंगे, खाली घिया घिया और दही के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है, चाहे रायता बना लो या सिंपल दही भी आप घिया के साथ खाओ तो घिया और दही बहुत ही टेस्टी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है रावत जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं ना घिया चने की दाल बनाऊँगा, और मेरे को कह रहे हैं कि तू नहीं बनाएगी, मैं बनाऊँगा आज। तो आजकल यही है, जब भी उनका मन करता है बनाते हैं, जब मन नहीं करता है नहीं बनाते हैं। अभी उनका मन है कि वो घिया चने की दाल बनाएंगे, तो यहाँ पे वो घिया कट कर रहे हैं और हमने नींबू पानी जो है पी लिया है। और चलिए, आजकल का हमारा शाम का जो है रूटीन यही सब है, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स बनाओ, चाय पियो, महाभारत देखो, फिर 9 बजे जो है रामायण देखो, और जो है रात को अपना डिनर अगर जो भी बनाना है। तो डिनर तो हमारा लेट ही हो जाता है गाइस आजकल, पहले भी खैर हमारा टाइम यही था क्योंकि ना रावत जी बहुत लेट आते थे ड्यूटी से, तो वही हमारा 10, 10:30 होता था। और आजकल भी अब रामायण जैसे आपकी 10:30 बजे ख़त्म होगी, तो लेकिन उसके बीच में हम खाना बना लेते हैं, जैसे अभी महाभारत देखा है ना। तो गाइस अभी हम आ रखे हैं छत में, बुट्टी से टाइम कितना हो गया होगा, 10:30, 11 बज चुके हैं और अंधेरा हो रहा है क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं छत में। देखे ऊपर बढ़िया हो रहा है, हाँ अंधेरा तो हो रहा है, आवाज तो आ रही है, पर ऊपर बैठे हैं छत में, ठंडा हो रहा है बाहर, अंदर जाने को मन नहीं कर रहा है। घिया चने की दाल बनाई थी और रोटी, वो देखिए जहाज जा रहा है ऊपर। जाने का मन नहीं कर रहा।
मन नहीं कर रहा है नीचे जाने का। अंदर तो गर्मी हो रही है, घुटन से हो रही है, ऊपर बढ़िया हो रहा है मौसम। चलिए नीचे चलते हैं यार। चलो देखिए गाइस, आजकल कोई भी नहीं दिखता है बाहर। नहीं तो रात को पहले टहलते थे, अभी 10:30 ही हुए हैं। दो डॉगीज खड़े हैं नीचे, आवाजें कर रहे हैं। देखिए एक इधर है, दो जने दिख रहे हैं बस, ये दो नीचे घूम रहे हैं। पहले तो बहुत दिखते थे, रात को टहलते थे ना, आजकल कोई नहीं टहल रहा है। दूर दूर तक देखो, पार्क देखो, सामने हमारे यहाँ पार्क है, उसमें भी कोई नहीं है। वाइटी चलो बाय, हम जा रहे हैं नीचे। और वाइटी और स्नो खा रहे हैं टमाटर। वाइटी खा लिया टमाटर? अच्छा बेटे, टमाटर पूरा फिनिश। स्नो आओ इधर, स्नो टमाटर नहीं खाने? आओ चलो टमाटर खाओ इधर। ये वाइटी तब तक सारे टमाटर खत्म कर देगा। वाइटी सारे टमाटर खा लो तुम, हैं? चलो नीचे चलते हैं। बाय बाय स्नो, बाय वाइटी। सबने 3 टिक्की खाई, मैंने एक खाई। और मैंने ये बेसन की बर्फी बनाई थी ना सुबह में, तब ट्राइपॉड मेरा काम भी नहीं कर रहा था हाथ से ही, और अच्छे से शेयर नहीं कर पाई, तो ये मैंने इसमें रखी थी ट्रे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे काट के, ठीक है? बर्फी को अब हम यूं कट करेंगे। अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रही है, मैंने फ्रिज में नहीं रखी, क्योंकि ये फ्रिज में रखते ना तो जल्दी से हो जाता है। अब हम इसको ऐसे कट करेंगे। पता है बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने अभी साइड से थोड़ा सा चखी थी तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। अगर मैं इसे फ्रिज में रखती ना, अभी तो ये कप की सेट हो जाती, तो फ्रिज में नहीं रखी थी मैंने ये, ओवन के अंदर रख दिया था। फिर मैं काम पे लग गई ना, मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी वीडियो के एंडिंग कर देती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ। बहुत ही टेस्टी हो रही है बर्फी खाने में। चलो अब हम एक चीज दिखाते हैं। तो गाइस चलिए, अब डिनर भी हो चुका है और बर्फी मैंने कट कर दी है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनी है आप जैसे देख ही रहे हैं। और बच्चों को भी दे देती हूँ, सबको देती हूँ। अब मीठा खा लेंगे डिनर के बाद। आप लोगों को मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। और बताना आपको बर्फी कैसे लगी।